हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी के पत्ते की पकौड़ी, जो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए, मैं पत्ते तोड़ के लाई हूँ, मेरे घर पीछे प्लॉट में लगे हुए थे। और देखिए, मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये इसका टाइट वाला भाग, इसको निकाल दूँगी और लच्छे लच्छे कितना इसको कट करना है। इसे जितने लच्छेदार होंगे उतनी ही अच्छी रेसिपी ये बनेगी। देखिए दोस्तों, मैंने इतना काट लिया है अरबी का पत्ता और इसी का, और इसमें पड़ने वाला मसाला, इसमें मैंने लहसुन और प्याज का पेस्ट और हरा मिर्चा का पेस्ट रखा है पीस के। इसको मैं आधा इसमें डाल रही हूँ, इससे खुशबू और स्वाद बहुत बढ़िया आता है। थोड़ी सी हींग। देखिए दोस्तों, हमने थोड़ा सा गर्म मसाला इसमें डाला है, आधे चम्मच के लगभग गर्म मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच हमने धनिया पाउडर इसमें डाला है। और इसमें दोस्तों देखिए, एक कटोरी हमने बेसन ली है, लेकिन इतना लगेगा नहीं, इसमें पतला बेसन चाहिए, इसका गाढ़ा पेस्ट नहीं चाहिए, इसका पतला पेस्ट चाहिए। ये मैंने अभी आधी कटोरी डाल ली है, और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालना है आपको, जैसा पसंद हो, हल्का या थोड़ा तेज। और देखें दोस्तों, इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, पानी डाल करके इसको मिक्स कर रही हूँ। तो थोड़ा पतला चाहिए, पकौड़े की तरह साफ ये लच्छे में बनेगा ना, इसलिए इसको इसका घोल थोड़ा पतला चाहिए। हमारी चाय भी रेडी हो गई है। तो मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ, और इसमें सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। देखिए, ये डालने के लिए हमें कढ़ाई में इसको डाल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितने कुरकुरे होकर ये निकलेंगे। तो थोड़े से लाल हो जाए फिर इसको हम पलटेंगे। खाने में बहुत मज़ेदार, चाय के साथ कुरकुरा बिल्कुल। अब देखिए, इसको पलट देंगे। ये देखिए, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी डाल सकती हैं, बहुत अच्छा बनता है, बहुत कुरकुरा क्रिस्पी बनता है। ब्राउन हो रहा है हमारा, सिक रहा है बढ़िया से। एक बार बनाएंगे फिर बार बार बनाने का मन करेगा आपको। यह है, इसको हम निकाल देंगे। कम से कम इसको पांच मिनट लगता है इसको क्रिस्पी बनने में, लाल होने में। देखिए ये कुरकुरे देखिए कितने कुरकुरे बने हुए हैं। मैं छोड़ रही हूँ जो बचे हैं, देखिए कितने कुरकुरे बनते हैं। देखिए दोस्तों, कितना कुरकुरा, कितना क्रिस्पी बना हुआ है। चाय के साथ खाने में आपको कितना मजा आएगा ये देखिए, हाथ में उठाते ही टूट जाता है, इतना क्रिस्पी बना हुआ है। देखिए आप खाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ कुछ भी बनता है शाम को सुबह, तो ठाकुर जी को बिना भोग लगाए हम लोग खाते नहीं है। वैसे भी 4 बज गई है, मंदिर खुलने का समय हो गया है, तो इसलिए अब भगवान को भोग लगा के फिर हम लोग इसको चाय के साथ खाएंगे। तो देखिए, मेरे अरबों की पत्ती की पकौड़ियाँ तैयार हो गई है। देखिए कितनी कुरकुरी और खस्ती बनी हुई है। अब आप इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या खट्टी मीठी चटनी जो मैंने आपको बताई थी उसके साथ भी खा सकते हैं। अगर चाय के साथ नहीं लेना है तो चटनी के साथ लीजिए और बनाइए, खाइए। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमको। थैंक यू, धन्यवाद।